नमस्कार, एनबीसी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से एक वीडियो पोस्ट की गई है, जिसमें सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में मसाज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के कुछ वीडियो सामने आए हैं। इनमें सीसीटीवी फुटेज में बताया गया है कि इन वीडियोस में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स सत्येंद्र जैन की फुट, हैट और बॉडी मसाज कर रहा है। ईडी ने भी कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये वीडियो सितंबर महीने के बताए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में सामने आए। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि तिहाड़ जेल की वीडियो लीक कैसे हुए और भाजपा के पास कैसे पहुंचे। वहीं ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जेल की सीसीटीवी फुटेज में उन्हें बैक और फुट मसाज कराते हुए देखा गया है। जेल सुपरिटेंडेंट नियमों के खिलाफ जाकर सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं। वे उनसे पूछने जाते हैं कि उन्हें जेल में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।